स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा, क्लास 10th जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज या लेसन्स। आपके जो जैसे हमने पोम एक्सट्रैक्ट हल किए थे, उसी प्रकार से आज हम करेंगे प्रोज एक्सट्रैक्ट। बच्चों, एक बात आप ध्यान दीजिए कि मैं इसके पहले भी आपको अनसीन पैसेजेस अच्छे से हल करवा चुकी हूँ, साथ में एक प्रैक्टिस पेपर भी मैंने आपको हल करने के लिए दिया था। और आज मैं इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट जो प्रोज के हैं, जो लेसन्स के हैं, उसको हल करवा रही हूँ। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है अनसीन पैसेजेस और इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज एंड पोम को मिला करके 35 मार्क्स का होता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, अगर इसमें हल करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिल्कुल निशफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि मैडम, मुझे यहाँ पर ये वाला पोर्शन या ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, चाहे आप किसी भी स्कूल को बिलोंग करते हो। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों, तो भी आप कमेंट करें कि मैडम, मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्योंकि ये पूरा अनसीन और सीन दोनों को मिला करके अप्रॉक्स 35 मार्क्स का होता है, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट मिस इट, और इसको हम बहुत अच्छे से हल करेंगे। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, या जो आपके लेसन से आना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको करने को रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो अनसीन हो या सीन हो, कोई भी पैसेजेस हो, उसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम उसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे। और एक बात कहूँ बच्चों, यदि आप इनके लेसन्स के एक्सप्लेनेशन आपने पहले समझे हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, यदि आप उनको मिस कर दिए हैं, उन वीडियोस को, तो भी आप यहाँ से अच्छे से इसको रिकवर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ये है आपका लेसन नंबर 17 से, वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस विच वी कॉल अवर नेटिव कंट्री। We have each of us been given some 1 rupee, some 2 rupees, some 3, some 4. These rupees are not rupees with which we buy things, but they are different powers we have been given. Each of us has power of body, power of mind, and power of character. Each of us has strength, time, and intelligence, which can be used. As we leave school and go out into the world, we are tested as to how we are going to use these talents which we possess. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर लेखक बात कर रहा है अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी बुद्धिमानी और अपनी क्षमता के विषय में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस एक्सट्रैक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। जस्ट लाइक अनसीन पैसेजेस, जैसे हम अनसीन पैसेज को रीड करते हैं, देन उसी प्रकार से हमने बिल्कुल शांत मन से इसको अच्छे से पढ़ लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाय नेटिव कंट्री द राइटर मीन्स, तो पहला अ कंट्री वेयर ही लिव्स इन, सेकेंड हाउस इन विच ही लिव्स, थर्ड अ फॉरेन कंट्री। तो यहाँ पे नेटिव कंट्री का मतलब होता है अ कंट्री वेयर ही लिव्स इन। आंसर क्या हो जाएगा, अ कंट्री वेयर ही लिव्स इन, क्योंकि यहाँ लिव इन आया है ना, इसलिए, जो कि आपको पहली लाइन में ही इसका आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन देखें बच्चों, फ्रॉम विच लेसन हैज द एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। ये जो लेसन है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, वो किस लेसन से लिया गया है। तो हमें अच्छे से याद है, हमने समझा था। इसमें ऑप्शन देखें, पहला है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, सेकंड द टॉर्च बेयरर्स, थर्ड द पॉट ऑफ गोल्ड। यहाँ पर इसमें जो है आंसर, वो है सेकंड से, द टॉर्च बेयरर्स। जो लेसन लिया गया है वो किससे लिया गया है, मशाल धारक। अब हम देखते हैं सी क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द लेसन। इस लेसन के लेखक का नाम लिखो। इस लेसन के लेखक का नाम है W.M. रेवर्न।
मैंने हर लेसन को पढ़ाते समय उसके कवि या उसके लेखक का नाम बताया है। आपको ये चीज बच्चों थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस लेसन का है और किस लेखक का है। फिर इसके बाद हम देखेंगे व्हाट डू रुपीज सिग्निफाई इन द एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पर रुपए का आशय इस एब्स्ट्रैक्ट में क्या है? आंसर देखें, रुपीज सिग्निफाई डिफरेंट पावर्स गिवन टू अस। रुपीज का अर्थ यहाँ पे है कि डिफरेंट पावर, भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां जो हमें दी गई हों। यहाँ पर रुपए का अर्थ सीधे सीधे पैसे से नहीं है। तो बच्चों अच्छे से समझ में आया? अगर आप चाहें तो एक बार पॉज करके इसको फिर से समझ सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड एक्सट्रैक्ट की तरफ। ये भी है लेसन नंबर 16 से। देखें, पढ़े हम पहले। इन दोज डेज देयर वॉज नो कम्युनल डिवाइड इन द विलेज। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज लिव टुगेदर इन पीस। Many would come to our house to ask for alms. There were Muslims, fakir, Hindu, dasla, who roamed the countryside singing devotional songs. Yelamba jogatis, who appeared holding the image of goddess Yelamba over their heads. Poor students and invalid people. We never had too much cash in the house. And the only help by my grandfather could give to those people was in the form of rice. People who receive help do not talk too much. They would receive the rice, smile and raise their right hand to bless us. अब यहाँ क्या बता रही है वो जो महिला है, वो क्या बता रही है लेखिका कि हमारे गांव में उन दिनों कोई भी धर्म के आधार पर डिवीजन नहीं होता था। सभी धर्मों के लोग हमारे घर में आते थे, शांति से रहते थे उस गांव में, और सभी धर्मों के लोग आकर के जो भिक्षा वाली थे, जैसे कि मुस्लिम फकीर हो गए, हिंदू दसला हो गए, ये लम्बा जोगती हो गए, ये सारे लोग हमारे घर आते थे। दूसरे लोग भी जो गरीब होते थे वो भी हमारे यहाँ आते थे और भिक्षा या आम्स लेकर के चले जाते थे। हमारे पास देने को पैसे तो नहीं होते थे, लेकिन हम उनको क्या देते थे, दान के रूप में राइस या चावल दिया करते थे। वो अपना दाहिना हाथ उठा करके हमको आशीर्वाद दिया करते थे। अब देखते इसके क्वेश्चंस। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो लेखिका है उनके नाम आपको याद रखना पड़ेगा। द राइटर ऑफ द लेसन इज, इसमें आंसर है पहला सुधा मूर्ति, दूसरा डब्ल्यू एम रेवन, तीसरा है मीनाक्षी जी जैन। यहाँ पे सही आंसर है सुधा मूर्ति। इसकी लेखिका है सुधा मूर्ति। और ये लेसन आपको याद होगा, द रेड राइस ग्रेनरी। बी देखें, द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्स इज चैरिटेबल डोनेशन, राइस डिवोशनल सॉन्ग। यहाँ पे एम यानी दान का अर्थ होता है चैरिटेबल डोनेशन। सी, द ओनली हेल्प टू द नीडी पीपल वॉज इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्लोथ्स, राइस। तो किसकी तरह से वो मदद करते थे उसके ग्रैंडफादर? राइस के रूप में। तो कैसे मदद करते थे वो? चावलों का दान देकर। डी देखें, व्हाट डिड पीपल डू आफ्टर रिसीविंग हेल्प? पीपल हु रिसीव्ड द राइस स्माइल्ड एंड रेज देयर राइट हैंड टू ब्लेस द राइटर्स फैमिली। आप देखिए यहाँ पर हमको इसका आंसर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है बताइए आप? यहाँ पर मिल रहा है, ये लास्ट वाली लाइन में हमको इसका आंसर मिल चुका। अब हम इससे आंसर अपना फ्रेम कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पीपल हु रिसीव द राइस स्माइल्ड एंड रेज देयर राइट हैंड टू ब्लेस द, अस की जगह क्या जाएगा, राइटर्स फैमिली। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं बच्चों, जो है आपके लेसन नंबर 14 से। लेसन नंबर 14 का नाम क्या था आपको अच्छे से याद होगा, द पॉट ऑफ गोल्ड। बहुत अच्छे से आपको ये स्टोरी भी याद हो गई होगी। Kubuddhi was greedy and had a plan to cheat his friend of a share of the gold coin. He said, "It is unwise to take all the gold to the city. When the friends see so much money, they will ask us to lend someone to them, or they may even steal it. Let's take 100 coins each and bury the remaining in the forest."
वी कैन ऑलवेज कम बैक एंड टेक द मनी वेन एवर वी नीड इट. सुबुद्धि एग्रीड विद कुबुद्धि. टुगेदर दे बरीड द मनी अंडर अ एन ओल्ड बेनियन ट्री एंड रिटर्न टू देयर होम्स विद अ पार्ट ऑफ देयर न्यू फाउंड वेल्थ. अब यहाँ पे कुबुद्धि और सुबुद्धि जब जंगल जाते हैं, वहां उनको एक सोने की मोहरों से भरा क्या मिलता है, घड़ा मिलता है. तो कुबुद्धि की आंखें जो होती हैं वो लालची हो जाती हैं और वो प्लान करता है कि सारा सोना मुझे मिल जाए. तो अपने वो सुबुद्धि से कहता है अगर हम सारा पैसा अपने साथ ले चलेंगे तो हमारे दोस्त हमसे बहुत सारा पैसा मांगना चाहेंगे, हो सकता है कि वो हमारे पैसे को चुरा भी लें. इसलिए हम क्या करते हैं, 100-100 सोने के सिक्के ले लेते हैं और बाकी बचे हुए सिक्कों को हम यहीं पर रख देते, छोड़ के जाते हैं. जब भी हमें जरूरत होगी हम आकर के इसमें से पैसे निकाल लेंगे. सुबुद्धि सीधा साधा रहता है, वो कुबुद्धि की बातों में आ जाता है, मान जाता है. तब क्या करते हैं वो 100-100 सोने के सिक्के निकाल के एक पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे वहां पर उसको दबा देते हैं उस धन को, और अपने घर आ जाते हैं और जो नई अपनी संपत्ति अर्जित करते हैं उसके साथ एंजॉय करने लगते हैं. अब देखें इसका क्वेश्चंस. पहला है नेम द लेसन फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन. पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द लेसन फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन. इसमें लेसन का नाम बताना है जिससे ये एक्सट्रैक्ट लिया है. तो कुबुद्धि और सुबुद्धि अगर आपने याद रखा तो आपको लेसन का नाम याद आ जाएगा. लेसन का नाम है पॉट ऑफ गोल्ड. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स टू हाइड समथिंग इन ग्राउंड. टू हाइड समथिंग इन ग्राउंड का यहाँ पर कौन सा शब्द आया है बताएंगे आप. बरी, बरी रहे है ना, तो बरी से शब्द बना बरी. तो हाइड समथिंग यानी बरी करना, दबाना, गड़ाना, छुपाना. फिर है तीसरा, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ वाइज. वाइज यानी बुद्धिमान, और बुद्धिमान का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, सिली, स्टूपिड. वेयर डिड दे बरी द मनी. यहाँ देखो, यहाँ पे आंसर है ना, टुगेदर दे बरी द मनी अंडर एन ओल्ड बेनियन ट्री. तो यहाँ आंसर क्या जाएगा, अंडर एन ओल्ड बेनियन ट्री, यानी एक पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे उन्होंने धन को गड़ाया. अगला एक्सट्रैक्ट है वो है लेसन नंबर 6 से, द न्यू प्लेयर इन अ टीम. क्या है, द डे ऑफ रेस डॉन इट टर्न आउट टू बी अ क्लोज रेस टुवर्ड्स द एंड. ममता कॉट अप विद द चैंपियन, हर आईज वेयर फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन. लाइक अर्जुना इन द महाभारत एमिंग एट द फिश आई, ममता टू कुड सी नथिंग एल्स एंड इन द एंड she did won, though by a couple of seconds only. It was so unexpected that there was a moment's silent around us as she crossed the finishing line. Even the judges on the field were surprised that someone looking so frail and delicate could run so fast. There was a lot of excitement on the field before Mamta was announced a winner. अब दौड़ की प्रतियोगिता का दिन आ गया था. अब यहाँ पर एक बहुत जोरदार लड़ाइयाँ या दौड़ की लड़ाई होने वाली थी, और अंत समय में ममता किससे रेस कर रही थी, उस स्कूल के लास्ट ईयर के चैंपियन के साथ. तो उसकी जो आई थी, जिसकी जो आंखें थी, वो फिनिशिंग लाइन पे लगी हुई थी. जैसे कि महाभारत में अर्जुन ने अपनी आंखें कहाँ रखी थी, मछली की आंख पर, उसी प्रकार से ममता कुछ और नहीं देख रही थी, सिर्फ उसकी पूरी की पूरी दृष्टि जो थी वो कहाँ थी, उस फिनिशिंग लाइन पे थी. और आखिरी में क्या हुआ, वो जीत गई, एक सेकंड के जोड़े मात्र से वो जीत गई. और ये ऐसी अनएक्सपेक्टेड रेस थी जिसमें सब लोग क्या हो गए, एकदम सरप्राइज्ड हो गए. जज जो निर्णायक थे वो भी आश्चर्यचकित से कि ऐसी दुबली पतली सी दिखने वाली नाजुक सी लड़की इतनी तेजी से दौड़ कैसे जीत सकती थी. और पूरे उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था उस दौड़ के मैदान में कि ममता को क्या घोषित किया, जब विजेता घोषित किया गया. इसके आंसर देखें बेटा, क्वेश्चन देखें बच्चों. द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू द बिगिनिंग ऑफ अ डे इज. मतलब बिगिनिंग ऑफ अ डे का क्या सिमिलर मीनिंग होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर है डाउन. डाउन लिखा है, रेस डाउन.
यहाँ पर अर्थ हो जाएगा डाउन. द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन इन. अब यहाँ पर हमको राइटर यानी लेखिका का नाम बताना है इस लेसन की. इस लेसन की लेखिका का नाम है मीनाक्षी जी जैन. तो ये आपको लगभग हर एक्सट्रैक्ट में पूछा जा रहा है और आपको बहुत ध्यान से इसको करना है. तीसरा, ममताज आईज वर फिक्स्ड एट द जजेस द फिनिशिंग लाइन द फिशेज आई. यहाँ पर है द फिनिशिंग आई. देखो यहाँ पर लिखा है फिनिशिंग लाइन लिखा है. हर आईज यानी ममता आईज फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन. तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द फिनिशिंग लाइन. बी क्वेश्चन, हु डिड विन द रेस. ऑब्वियसली ममता वॉन द रेस. ये है इसके आंसर. देखते हैं अब हम लेसन नंबर 3 से यह एक्सट्रैक्ट है. द ग्रेट मार्टियर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड एंड बिकम इमोर्टल इन द हार्ट ऑफ इंडियंस. ही वॉज 24 व्हेन ही वॉज एग्जीक्यूटेड. ही बिकम अ लेजेंडरी हीरो फॉर द मासेस. Innumerable songs were composed about him, and the youth throughout the country made him their idol. He became a symbol of bravery and inspired the people to free India. अब ये भगत सिंह वाला जो लेसन था उससे ये लिया गया है. और इसमें क्या बताया था कि जो महान शहीद भगत सिंह थे उन्होंने बहुत ही खुशी से मृत्यु को गले लगा दिया ताकि उनका जो जन्मभूमि है उसको वो स्वतंत्र करा सके. और वो पूरे लाखों लोगों के, पूरे जितने भारतीय हैं उनके बीच में वो अमर रहे, इमोर्टल यानी अमर रहे. जब वो 24 साल के थे तब भी उनको फांसी दे दी गई. वो हमारे पूरे भीड़ पूरे समुदाय के लिए एक हीरो बन गए. बहुत सारे गीत उन पर लिखे गए हैं और जो यूथ है हमारे देश का, जो युवा वर्ग है उनके लिए वो एक आदर्श हो गए. वो एक सिंबल, एक प्रतीक बन गए थे किसका, बहादुरी का. और बहुत सारे लोगों को, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने प्रेरणा प्रदान की. आप पूछते हैं यहाँ पर भगत सिंह वॉज आ, भगत सिंह क्या थे, ग्रेट मार्टियर अर्थात एक महान शहीद थे. फिर Who is remembered as शहीद आजम. ये क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो शहीद आजम किसको कहा गया, भगत सिंह को कहा गया. द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीजेंड्री इज, इसका अर्थ क्या होता है, हिस्टोरिकल इंडियन स्ट्रॉन्ग. लीजेंड्री का अर्थ होता है ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल. तीसरा, वाई डिड भगत सिंह एम्ब्रेस डेथ हैप्पीली. भगत सिंह ने मृत्यु को खुशी खुशी गले क्यों लगाया. भगत सिंह एम्ब्रेस्ड डेथ हैप्पीली टू लिबरेट हिज मदरलैंड. अपने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए भगत सिंह ने बहुत ही हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाया. यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में इसका आंसर. तो बच्चों ये थे आपके इम्पोर्टेंट प्रोज एक्सट्रैक्ट के कुछ एक्सट्रैक्ट. इसका एक पार्ट और है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेकिन इसके पहले आप सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में समझ में आया या नहीं समझ में आया, दोनों ही आंसर, यदि आया है समझ में तो भी लिखना है और यदि नहीं समझ में आया तो भी आपको वहां रिप्लाई करना है ताकि हम अगले एक्सट्रैक्ट को और ज्यादा अच्छे से समझा सकें. थैंक यू बच्चों.